रुक करते हैं कुछ होर खबरों का। पंजाब की सियासत नाल जुड़ी एक वड्डी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह अज भाजपा दे विच शामिल होणगे। ताज़ी कि अपनी पार्टी PLC का भी BJP दे विच रलेवा करनगे। हालांकि इस नूं लैके क्यास कई दिनों तो ही चल रहे सन और अज जिहड़ा है वह भाजपा में शामिल हो जाणगे ते नवीं बनाई उन्हां दी जिहड़ी पार्टी है PLC उसका भी भाजपा में रलेवा हो जाएगा। शाम 4:30 बजे दिल्ली स्थित भाजपा दफ्तर में रलेवा होगा। भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा की मौजूदगी कैप्टन रस्मी ऐलान करेंगे। कैप्टन के पुत्र रणइंदर, इस तो अलावा जयइंदर कौर, निर्वाण सिंह, मेजर अमरदीप BJP का पल्ला फड़नगे। जी हाँ, परतिंदर सिंह चाहल भी भाजपा में अच शामिल हो सकते हैं। शाम 4:30 बजे मनिया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस को छोड़ने के बाद अपनी वक्ती पार्टी उन्होंने बनाई। हालांकि इस बार की विधानसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हुण जो जानकारी मिल रही है कि BJP के उन्हों का रलेवा अज हो जाएगा। पंजाब की सियासत के एक बड़ा जड़ा है कदम है, नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह BJP में शामिल होंगे। उन्होंने परिवारिक मैंबर भी कई शामिल होंगे। दस दें कि 1970 सियासत में उन्होंने अपनी एंट्री की थी। जे कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी सफर से नज़र पाइए तो कांग्रेस की टिकट से 1980 पहली बार उन्होंने लोकसभा चोण जीती सी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में कांग्रेस छड़ दी सी। 1985 श्रोमणी अकाली दल में शामिल होए सन ते तलवंडी साबो तो चोण लड़ी सी। अकाली सरकार में खेतीबाड़ी मंत्री भी बने सन। जो 1992 श्रोमणी अकाली दल तो फिर वो वक हो गए ते अपनी नवी पार्टी बनाई। श्रोमणी अकाली दल पंथक दे ना तो पार्टी बनाई गई। 1998 कांग्रेस में उन्होंने वापसी की थी ते अपनी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में रलेवा कर लिया। उस तो बाद 1999 पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने। 2002 कांग्रेस की हुई जित ते कैप्टन पहली बार मुख्यमंत्री भी बने। 2002 से 2007 तक पंजाब के मुख्यमंत्री भी कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। जी हाँ, 2014 दियां लोकसभा चोणां विच अमृतसर तो उन्होंने जित हासिल की थी। 2015 मुड़ तो पंजाब कांग्रेस की उन्होंने कमान संभाली। 2017 विधानसभा चोणां विच कांग्रेस की जो जित हुई कैप्टन मुड़ तो मुख्यमंत्री बने। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने तो पहला ही CM अहुदे तो हटा दिता गया, चन्नी नूं CM बना दिता गया। उस समय कांग्रेस तो नाराज होकर अपनी वक्री पार्टी बनाई जिसका नाम पंजाब लोक कांग्रेस रख्या। 2022 दीआं चोणां विच पंजाब लोक कांग्रेस ने BJP नाल मिलके चोण लड़ी। पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी दा भाजपा दे नाल हुण अज रलेवा होवेगा। 30 साल दी उमर विच कैप्टन भाजपा नाल अपनी नवीं सियासी इनिंग दी शुरुआत करनगे। हरप्रीत बंदेशा दे नाल गल करदे आ। हरप्रीत, जिस नाल इक वड्डा सियासी सफर रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, लेकिन हुण इस पड़ा दे विच उहनां लई इक बहुत वड्डा इह कदम है कि कांग्रेस दे लई जिथे लगातार उह बणे रहे हुण अपनी पार्टी नवीं बनाई। हालांकि कोई विधानसभा चोणां च कोई प्रदर्शन वधिया नहीं रहा, लेकिन भाजपा विच शामिल होण नाल इक सियासी जिहड़ा है इक वड्डा कदम है उहनां दी जिंदगी दा। जी बिल्कुल, देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी एक वड्डी शख्सियत रही खास तौर से पंजाब की सियासत दे विच। दूसरे पास जे अगर देश की सियासत वेखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल उन्हां दे हमेशा तो बड़े चंगे तालक रहे हैं, बड़े चंगे संबंध भाजपा के लीडर नाल रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री जो भी उन्होंने समा मंगया गया, चाहे वह SYL का मुद्दा से या कोई होर, उन्होंने समा दिता गया। मनोहर लाल खट्टर जरूर SYL से समा मांगते सन, लेकिन उन्होंने समा नहीं मिलया। तो इस करके उन्होंने सियासी तौर से जेकर रिश्ते देखे जा तो बहुत चंगे रहे हैं। तो निजी तौर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिगार्ड हमेशा तो करते नजर आए। दूसरी अहम चीज, कैप्टन अमरिंदर सिंह का देशभगती चेहरा होना, उन्होंने देश के नाल खड़े होने की गल करना, उसते वो हमेशा जड़े ने गल करते नजर आए। तो चीज जी वो BJP भी सूट करती नजर आती थी, लेकिन हालांकि जो BSF वाला मुद्दा होया उसनूं लैके भी उन्होंने गल कही थी कि BSF जी जरूरी है कि असी इस जिहड़ा ड्रग्स से जिहड़ा असला है उसनूं असी काबू कर सकी। हाल फिलहाल की उन्होंने जो मुलाकात SM ना हुई कुछ दिन पहला ही, तो उदों भी उन्होंने कहा कि पंजाब नार्को टैररिज्म बढ़ रहा, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं। मैं गल लंबे समय तो कहता आ रहा है। तो यह सारे मुद्दे ने जो पंजाब की सियासत अज के दिनों खासे अहम रखते हैं, तो भाजपा ये मुद्दे सूट भी करते हैं। तो इसे करके मनिया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह का पार्टी का रलेवा BJP अपने पैर पक्के करने की कोशिश करेगी। उसके जरिए पंजाब दे विच बहुत वड्डे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इन्हां नाम की जिन्ना चिर तक अधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं होंगी उन्ना चिर तक नाम लैने ठीक नहीं होंगे, लेकिन जेडे कुछ साबका MLA विच नाम आ रहे हैं, कुछ साबका स्पीकर डिप्टी स्पीकर के भी नाम है कि वह भी अज भाजपा का दामन थाम सकते हैं। शामी 4 बजे का समा दसया जा रहा है कि शामी 4 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह जेडे ने वह अपनी पार्टी समेत भाजपा कदम है जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा
शामिल होण जा रहे ने। अज उन्हां दे कुछ परिवारिक मैंबर, उन्हां दे कुछ साथी भी जिहड़े ने ओह भाजपा विच शामिल होणगे। अपनी नवी पार्टी का रलेवा पीएलसी का ओह बीजेपी विच अज कर लैणगे। सियासत विच एक वड्डा फेरबदल वेखण नूं मिलेगा अज शाम 4:30 बजे दिल्ली स्थित भाजपा दफ्तर विच रलेवा होवेगा।